नमस्ते जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं छत पे गई थी, अनार का फूल तोड़ के लेके आई हूँ और फल भी तोड़ के लेके आई हूँ। पता है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि अनार के फूल को पीस के और उसमें नमक डाल के उसे पी लेने से पेट का जो ऐठन होता है वो ठीक हो जाता है, या खाने को ऐसे इधर उधर कुछ हुआ होता है गड़बड़ी वो भी ठीक हो जाती है। तो शायद किसी को भी ऐसी परेशानी वो पहले आ गई है। यहाँ पर मैं पीस ले रही हूँ और पीस के मम्मी को देने वाली हूँ नमक डाल के पानी डाल के पीने के लिए। ये देखिए अनार पक चुका था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बिल्कुल ये अनार छोटा छोटा होता है, लेकिन ये देख लीजिए पक गए हैं और बड़ा वाला अनार नहीं है ये। और आज मैं खाना बनाई थी सोना भात, यानी मक्के का भात, मक्के का चावल कह लीजिए, हम लोग इसे बोलते हैं मकई का भात, और दाल और सब्जी। तो हमारे यहाँ ये देसी खाना है और बहुत पसंद किया जाता है, खास करके बूढ़े बुजुर्ग लोग इसे अब ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कुचना वगैरह पड़ता नहीं है, दांत वगैरह सब ठीक ठाक रहता है और पेट को भी ठीक रखता है, इस वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ का भैया ये हमारे यहाँ का बहुत ही पारंपरिक ट्रेडिशनल जो भी कह लीजिए बहुत ही देसी खाना है, इसे सब लोग पसंद करते हैं। मक्के के भात को आप दूध के साथ खा सकते हैं और दही के साथ खा सकते हैं, सिर्फ चीनी और घी के साथ खा सकते हैं, इसे केवल चटनी के साथ खा सकते हैं, बाकी हर चीज़ के साथ ये खा सकते हैं। ये ऐसा चावल बनता है, बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोग खाते नहीं हैं तो खा के ट्राई करिएगा। तो खाना बनाने के बाद मम्मी अभी लेके आई थी पोई का पौधा, ये देख लीजिए ये बेचारा कहाँ था और कहाँ से कहाँ का सफ़र तय करके आया। मम्मी गई थी खेत घूमने, अपना खेत का हाल क्या है उधर ही ये पोई का पौधा बहुत ही अच्छे से निकला हुआ था। बोल रही थी कि इसे गाय बकरी से चर लेगी, इससे अच्छा मैं लेके चली आई। तो उन्हें पता है कि मैं पेड़ पौधों की बहुत शौकीन हूँ और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहती हूँ उन्हें रखने और ज़िंदा रखने वगैरह के लिए, वो लेके आई थी। और यहाँ पे मैं क्या की, जब मैं पानी डाल के रखी थी थोड़ा देर तक, लेकिन वो बिल्कुल वो हो गया था, मुरझा गया था पत्ता, तो फिर मैं उसने पानी डाल दी बोतल में और इसको यहाँ पे अपने किचन की दीवार के पास सेट कर दी। और थोड़ा सा इसको चोट लगा था, मतलब कहीं हल्का सा टूटने जैसा हो गया था, चोट लग गया, बच्चे पैर रख दिए तो कुछ ऐसा हुआ था। तो मैं उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा के और धागे से उसको सपोर्ट दे दी कि उसको मतलब तकलीफ़ नहीं हो और सर्वाइव कर ले, ज़िंदा रहे मरे नहीं, क्योंकि पेड़ पौधों का मरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। और बहुत प्यारा दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये देखिए। और मेरे किचन की दीवार के पास बहुत अच्छा लगता, परी बहुत खुश थी इसको देख के और मैं भी बहुत खुश थी। और ये देखिए पानी में डालें, जब हम लोग इसे पानी में डालें इसकी सारी पत्तियाँ जो बिल्कुल मुरझा गई थी, ये बिल्कुल टाइट टाइट सी हो गई है, मतलब कि पूरा अच्छे से ये लोग अच्छे से जीने लगे। इनको लगा कि हम लोग किसी इधर उधर जगह पर नहीं गए हैं, अब हम लोग को जीना है। तो इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर सुंदर पत्तियां हैं और कितने अच्छे से खड़े हो गए हैं, मुझे लगा कि ये नहीं जी पाएंगे लेकिन जी गए। तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगी कुछ देर, दूसरे दिन लगभग मैं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि अलग अलग क्लिप है ये। तो दूसरे दिन शाम को मैं इस पोई को लेके गई थी। तो अगर आप भी अगर पेड़ पौधे लेके आते हैं उसे, तो आप तुरंत उसे पानी में डाल दीजिए, बाकी एक दो दिन बाद भी अगर आपके पास जब टाइम हो तब उस पेड़ पौधों को शिफ्ट करिए गमले में ज़मीन पर, लेकिन उसे लाते ही पानी में डाल दीजिए। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, मुझे लगा मैं बता दी। तो आज हुआ था किचन की सफाई और फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा था, मीन्स कि कुछ ना कुछ उसमें दाल, बच्चे भी हमेशा फ्रिज खोलते रहते हैं तो कभी दूध कभी दाल कभी दही वगैरह गिर जाता है या फिर चाशनी वगैरह मीठा वगैरह गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फिर मैं आज फ्रिज की सफाई भी की हूँ और हल्का सा डिटर्जेंट डाल करके, और फ्रिज बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है। और लाइट की भी दिक्कत थी, लाइट नहीं रहता है फ्रिज बंद रहता है तो फिर और ज़्यादा उसमें अजीब सा स्मेल होने लगता है। तो अभी फ़िलहाल में लाइट ठीक चल रहा था, इस वजह से फ्रिज की सफाई हो गई आज। और फ्रिज की सफाई करने में हस्बैंड जी साथ दिए हैं, लगभग वही किए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस डब्बे में मैं मीठा रखती हूँ, तो चीटी को पहले पता हो गया था कि इस डब्बे में मिठाई है, इसलिए बेचारों और घूम रहा था। तो इस डब्बे में मैं रख लेती हूँ जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, मतलब जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे चीटी चीटा वगैरह अंदर ना जाए। और बच्चे फिर भी खोल के इधर उधर रख देते हैं, तो आज किचन का यही काम हुआ है। और बर्तन वगैरह मैं धुल के रख ली हूँ, इसलिए फिलहाल मैं आपको फ्रिज खोल के दिखा रही हूँ कि देखिए सफाई हो चुकी है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं उसमें मैं रखी हूँ मक्खन, जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ पहले वीडियो में। और ये है शुद्ध घी, जो मैं घी बनाई थी एक बार और बनाई थी, जो घी बना था तो एक डिब्बा घी, और इन दोनों डिब्बे में मक्खन के और वो लंच बॉक्स है उसमें मैं मक्खन रखी हूँ, बटर रखी हूँ जो मैं घर पर तैयार की थी। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पीछे मेरे चैनल पर जाके वीडियो मिल जाएगा। बर्तन वगैरह की सफाई हो चुकी है, देख लीजिए। और मिर्ची आया था बाज़ार से, सब धुल धल के रख दिए हैं, अभी सूखेगा हल्का सा, फिर इसको फ्रिज में ले आकर डाल देंगे हम लोग। और अभी टाइम है, अभी ये नेक्स्ट डे है, तो अभी देख लीजिए
बिल्कुल मरा नहीं है। मैं बहुत सुबह उठी तो सबसे पहले इसको देखी और ये बहुत खुश हो गई। कुछ परेशानी नहीं हुआ था पेड़ पौधे को, बिल्कुल एकदम टंच था पानी वानी पी के। तो अभी इसको शिफ्ट करना है, तो अभी जो है नेक्स्ट डे तो है लेकिन शाम है और शाम के समय मैं ये काम कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको अब ले जाऊँगी छत पर, धीरे से निकाल रही हूँ। अब धागा देखिए मैं कैसे बांधी हूँ, इसको सपोर्ट मिले, वहाँ से टूटे नहीं इसकी जो टहनियाँ हैं। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ छत पे। तो मुझे तो बस इसी तरीके एक्सपेरिमेंट करने का शौक है पेड़ पौधों के लेकर के, मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और तो फिर अभी भी देखती हूँ ये जीता है या मरता है, मुझे नहीं पता। ज़मीन मतलब गमले में लगाऊँगी तो बंद कर, और अगर जो भी इसका अपडेट होगा मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में। तो अभी छत पे हूँ और देखिए अभी टाइम हो रहा है 4:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है, आप धूप देख करके पता कर लिए होंगे। लेकिन शाम हो चुका है, पेड़ पौधे में पानी वगैरह भी डालना है। तो इससे पहले मैं इसको लेके आ गई क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं इसको रख दी हूँ ईंटे की दीवार पे और इसके उस साइड मुझे जा करके इस पौधे को लगाना है। इस साइड नहीं लगाऊंगी, उस साइड लगाऊंगी। और उस साइड लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो मैं बताऊंगी आगे। यहाँ पे देखिए उस साइड जाऊंगी तो छत पे कोई है नहीं, बच्चे भी नहीं हैं, तो पानी वगैरह मैं रख ली हूँ ताकि चिल्लाना नहीं पड़े या फिर मतलब मांगना उंगना नहीं पड़े, मैं खुद से अपना कर लूँ। पानी रख दी और एक बड़ा सा डंटा लेके आई हूँ, स्टिक लेके आई हूँ इसको सपोर्ट में रखने के लिए, और खुरपी वगैरह ले ली हूँ। और ये देखिए ये है सेमूर का पौधा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत छोटा सा था और लगभग आज ये 4 साल का ये पौधा हो चुका है यहाँ पे। और ये देखिए बिल्कुल छोटा सा लगा था और बाकी सारा इस गमले में ही हुआ है ये इतना बड़ा। और सेहूल का पत्ता लगभग आपको मेरे यहाँ गांव में हर किसी के घर में छोटा बड़ा बड़ा मिल जाता है, क्योंकि सेहूल के पत्ते में खासियत होती है। कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ लेकिन इतना जानती हूँ कि जब भी बच्चे को खांसी सर्दी जुकाम हो तो आप उसमें सेहूल के पत्ते को तवे पर गर्म कर लीजिए या राख के आग के अंदर हल्का सा सेक करके और उसको निकाल के उसका जूस निकाल करके बच्चे को 2 से 3 टाइम पिलाने से हल्की फुल्की खांसी ठीक हो जाती है। तो मैं उसी के जस्ट पास में ही लगा रही हूँ पोई को। लगाने का मेन रीज़न बता देती हूँ, जो यहाँ पे तार बंधा हुआ है हमारे यहाँ, तो उस तार पे मैं इसकी लत्ती को चढ़ा दूँगी और ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। और इसको जहाँ छत के ऊपर जहाँ दिल करेगा ये अपने खुद से चढ़ता जाएगा, रास्ता बनाते जाएगा, तो वहाँ पे सपोर्ट इसको अच्छा मिलेगा। गन्ने पे अगर चढ़ना चाहे तो उस पे चढ़ जाएगा, या फिर जो वहाँ पे मैं वो वहाँ पे जो हल्की सी पतली रस्सी लगी हुई है, तार लगे हुए हैं, उस पे चढ़ना चाहे तो उस पे चढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए मिट्टी डाल दी, पानी डाल दी और पूरे जितनी बड़ी इसकी जड़ थी मैं उतना मिट्टी खोदी थी और उसके अंदर मैं इसको मिट्टी को अच्छे से दबा देती हूँ। और दबाने के बाद से पानी तो बीच में डाली थी, फिर इसके बाद पानी डालूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे सड़क के ठीक उस साइड ये जो बकरियां जो पीछे पड़ी हुई हैं वहाँ पे सहजन का पौधा है और खाने पीने वाले ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, और वो हमेशा लोग खाती हैं गुड़हल का पौधा, फिर सहजन की पत्तियाँ भी खाती हैं ऊपर तोड़ तोड़ के। तो कुछ बिल्कुल ये मेरे घर के ठीक सामने का ये सीन था जो आपको मैं दिखा रही थी। और कुछ भी लगाते हैं तो ये लोग रास्ते में जो भी कुछ लगाओ तो आते जाते ख़त्म कर देते हैं। और मम्मी नीचे ही लगाने वाली थी इस पौधे को ताकि ये अच्छे से खेत में फैलेगा, लेकिन वही वो पहले ही बोली थी कि इसे रहने नहीं देंगे, जानवर खाएंगे इसे, गाय भैंस बकरी ये सब आते रहते हैं चरने के लिए, तो ये लोग इसको खा जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग छत पे ही इसे शिफ्ट करने के बारे में सोच लिए। तो अभी मैं इसको लगा भी दी हूँ अच्छे से और चढ़ा भी दी। यहाँ पर देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, तो कोई पौधा अगर लगाएं तो पानी डाल दें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पुदीना, तो पुदीना बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ हमारे घर पे हमारे छत पे। तो और कैसे ये रहता है क्या करते हैं हम लोग इसके साथ तो मैं बताऊँगी कभी भी, मतलब अब तो हमेशा आना जाना रहता है तो बता देंगे। और यहाँ पे लाई हूँ साइड, अगर गई हूँ तो गन्ने में भी लगे हाथ पानी दे देती हूँ। तो ये नेक्स्ट दिन का, ये भी वीडियो नेक्स्ट दिन का है। और जब मैं सहजन लगा रही थी उस समय मुझे कांटा लग गया था, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल काला हो चुका है ये कांटा सिर्फ एक रात में। और ये रात भर बहुत तेज़ दर्द किया है लेकिन काम के आगे मैं इसको ध्यान नहीं दी थी। सुबह मैं छत पे जब घूमने फिरने आई थी थोड़ा, तो उस समय मैं बैठी और ये देखें तो फिर ये समी के पौधे में जो थोड़ी छोटी सी कांटा का होता है देख सकते हैं आप, ये जो कांटा लिए हैं हाथ में इसी कांटे से उस कांटे को निकाल दिए, कांटा कांटे को निकाल दिया इस तरीके से। तो ये आए तो मेरा ये काम हो गया और दर्द कर रहा था। और फिर सुबह में ये भी आके देख रहे हैं किनारे किनारे मत करी ना, आगे का पूरा सड़क मानी किनारे मत करी खा गया था। और इसी तरीके से पपीता बहुत इसकी टहनी से पता चल रहा होगा आराम से 1.5 हाथ का हो चुका था, तो इसको खा के बिल्कुल ही खा के ख़त्म कर दिया है। तो ये आके फिर यहाँ पे दूसरा पौधा पपीते का पौधा एक और यहाँ पे मैं रखी थी,
तो उसको यहाँ पे ले आके शिफ्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें अच्छे से हो जाएगा, तो इसको लगा रहे हैं यहाँ पे। लौकी में कोनो बात नहीं है, तो चिपका के करिए, वो ना हो बीच में रही, बीच में रही तो बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे तो। इतने गंदे पानी में नहीं सब्जी आएंगी। जलकुंभी एकदम छत्ता बन गया कितना अच्छा से। बारिश का पानी होगा।